नमस्कार, मैं सुधीर शर्मा। आइए, आरा टाकिज पर आज आप लोग को एक विशेष प्रकार का, अलग प्रकार का कहिए, वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसमें मैं बात करूँगा, मैं कैमरे के पीछे जो जिस भगवानी को आप लोग देख रहे हैं वो है बिछियाओं के एक राम सिंह का। वैसे तो उनका साथ हमारे स्कूल में रसोईया के रूप में मिला, लेकिन ये एक विशेष उनका अलग प्रकार का व्यक्तित्व है जो अपना बाकी का समय इस बागवानी में गुजारते हैं और करीबन हर प्रकार के फलदार पेड़, औषधि पेड़ों से भरा हुआ ये बागवानी। आइए मिलाते हैं उसी एक राम जी से जिनका ये बागवानी है। ये है हमारे एक राम जी। विभिन्न प्रकार के औषधि पौधों के एकमात्र उत्पादन करता, यानी उपजाने वाले, बोने वाले, जो समझ में आए कह लीजिए, यही एक राम जी है। एक से एक औषधि इन्होंने अपने फुलवारी में लगा रखा है। बताइए तवार भैया, ये तो ये अनार का पेड़ है। हाँ जी, ये धृत कुमारी है, एलवेरा। जी जी, ये दाना मड़ुआ है। किसी तरह का आंख लाल हो जाए इसमें दो ठोप डालिए तो एकदम साफ है ना। ये गुलाब का पेड़ है। हाँ। ये अमरूद का पौधा देखिए किस तरह से बनाया गया है। हाँ जी, काट काट के मैंने इसको, आप समय से छोटा ही पेड़ होगा, फल लगेगा। फल लगेगा, हाँ आपने अथी कर दिया है, ठीक किए हैं। इधर के बारे में बताइए। पथल चट्टा है, पथरी में दवा का काम करता है इसका पत्ता। जी जी, ये पलकी साग है। पलकी साग, ये नया वैरायटी का बथुआ है। बथुआ है, तो एकदम बड़ा तुलसी का बड़ा पौधा जैसा लग रहा है। सांप काट दे उसमें भी काम करता है, इसको सुहाइए 20-20 मिनट पर एक बार। हाँ, भी उतर जाएगा। ये औषधि है। बगल में जो पेड़ है इधर वाला, आई वाला, ये फूल है। अच्छा, ये नया वैरायटी का फूल है, देखिए इसमें कितना काट है। हाँ, काट है। ये नींबू का पौधा है, बहुत छोटे में फरेगा, गमले में फरता है, हजारा इसका नाम है। जी जी, गुलाब का फूल है, बैगनी किस्म का। ये सब आम का पौधा है। वो जो छोटा सा वो पौधा है, वो जो है नहीं नीचे वा है, हाँ वो जवाइन है। अच्छा, ये जवाइन है। हाँ, जवाइन है उसके यहाँ जो था। अब इसका पौधा बहुत कोमल होता है। ये पत्ती, पत्ता जो है इसका पौधा बहुत कोमल है, सूंघने पर जवाइन का गंध आएगा और गैस में बहुत बहुत जबरदस्त काम करता है। जबरदस्त काम। वाह जी वाह। ये पौधा सनी है, समी नहीं, सनी। हाँ। जिस जो व्यक्ति सनी को पूजता है वो अपने घर में लगा कर इसको रखेगा तो सनी नहीं तंग करेगा। वाह, बगल में शिमला मिर्च, बगल में मिर्च देखिए कितना बड़ा फरा हुआ है। ये गुलाब का पौधा कंप्लीट फुलवारी में आपका संपूर्ण हर प्रकार का पौधा है। ये किस चीज का पौधा है भैया? ये वाला घास जैसा है। ये फूल है। अच्छा, फूल है। हाँ, ये फूल है। और कोई औषधि पेड़ है तो उसके बारे में बताइए। पत्थल चाटा एक और थोड़ा उधर है। अच्छा, चिरेता का पौधा है, चिरेता लगा हुआ है। हाँ, चिरेता इसी तरह का चर्म रोग में काम करता है। हम लोग को बचपन में इसको पिलाता था लोग, काढ़ा बना के। हाँ। फुला के पनिया। माटो साहब और बहू ले जाला गुप्तेश्वर सर। नहीं, पंडित जी, पांडे सर। सब परिवार उनकर खा ले। तो ये है एक राम भैया का, यानी कि एतवार जी का फुलवारी। मौसमी का है, मौसमी का एक पौधा। वाह जी वाह। अंदर आ जाओ, देखिए इधर।
ये जो आम है जी, इसका नाम है स्वर्णरेखा। बहुत बढ़िया पेड़ है, आप पता ही कैसा है एकदम, देख रहे हैं पतला पतला पता है इसका। हाँ, हाँ। दो पेड़ है, एक ठो वो है, एक ठो ये। गांछी कहाँ से लाए थे उसे? आरा से। अरे ये छोटहने में फरता है ये हो? अरे ये 5-6 बरिस से फरा था, खूब फरला। रेला का पौधा है, देखिए कितना अच्छा फल इसमें लगा है और पक भी रहा है, देखिए पका हुआ है। हाँ वाह, तो लेकिन साइज बड़ा है, सिंगापुरी तो छोटा होता है ना? नहीं छोटा नहीं, बड़ा होता है सिंगापुर। अच्छा अच्छा, भुसौल जिला। तो जब जब पकता है तो उसमें से आप तोड़ लेते हैं? तोड़ कर खाया जाता है। हाँ। काला बासन तब सब लेकर खा लो। ठीक है ठीक है। पौधा ऊपर से हरा है। हाँ। और नीचे पलटिएगा तो लाल है, देखिए पूरा लाल, एकदम लाल है। इसका नाम है लैला मंजनी। अच्छा अच्छा, इसका नाम, जिसके घर में झंझट होता है जी, तो उसके आंगन में लगा दीजिएगा, झंझट समाप्त है ना। भाई ये छोटा छोटा तो मटर सतावर का पेड़ है। अच्छा, तो पत्ता झड़ गया, इसका फल लगा है और नीचे कबारने पर मोटा मोटा कौन लेखा। अच्छा। देखिए ये फल है। हाँ। गरु का दूध बढ़ाएगा। अच्छा, जानवर को दिया जाता है? आदमियों को दिया सकला। हाँ। आदमियों को दूध बढ़ाला तो आदमी को हम टेस्ट कर ले बनी सब। महिलाओं को दिया जाए। आई तो लीची लग रहा है भैया। लीची आउ चीकू, चीकू का पेड़। हाँ। लीची है बहुत यार, फर फर रहा है ना। और इधर बेल है सिर फल। हाँ, ये आपका हो गया। अच्छा, वो दिया है कटहर असरी। हाँ हाँ, ये चीकू हो गया, लीची हो गया, शरीफा हो गया और कटहल हो गया। सामी का पेड़ है। हाँ, ये वो देखिए पेड़, इसको जरा सूही है। 10 किस्म का इसमें, जब हटाइएगा तब तो दूसरा किस्म का गमक आएगा। कौन चीज का पेड़ है? औषधीय है, गरम औषधि इसका नाम है। मुर्गा बनाइए तो इससे छोंक दीजिए, तब देखिए इसका गमक। नाम बताइए इसका। नाम गरम मसाले कहीं, प्योर गरम मसाला जैसा सेंट दे रहा है। अच्छा, इसका बहुत, इसका नाम प्रजाति भी है, हरसिंगार भी लोग कहता है। इसको दिखाई है हरजुड़वा, हरजुड़वा इसका नाम है। हाँ। दर्द में काम करता है, इसको पका कर। हाँ। तेल बनाइए और उसमें डालिए, मैंने पकाइएगा आग में तो तेल जैसा बन जाएगा। तेल करुआ तेल में डाल के। अच्छा, कुटी कुटी काट दी। अच्छा, अगर ये करिया हो जाए तो तेल के छान ली जाए, करके रोज रो करी तेल बाद में रख रही। ये हर जोड़वा है। तो ये हैं इस बागवानी के मालिक इकराम जी। बेसिकली ये रसोईया का काम करते हैं हमारे विद्यालय में, लेकिन एक विशेष गुण है इनमें कि जहाँ भी इन्हें विशेष प्रकार का कोई पौधा फलदार हो चाहे औषधि वाला हो, उसे लाते हैं और अपने फुलवारी में इस बगीचे में ले आकर लगा देते हैं। तो हम इनसे थोड़ा सा आज बातचीत करेंगे कि अभी तक का, और ये है इनका कुटिया, इसी में निवास करते हैं। तो बताइए अपने बारे में कुछ इकराम जी। मेरा नाम इकराम सिंह हुआ और गाँव बिछिया हुआ, थाना संदेश, जिला भोजपुर। जी जी, बिछियाओं का निवासी हूँ जी। हम स्कूल से आकर यहाँ पर दवा बीरों को, जड़ी बूटी को काम करते हैं और हर एतवार मंगल को बहुत से रोगी लोग जुटते हैं, इनको लोग जो रोग होता है उसको दवा हम देते हैं। तो किसी को अगर किसी औषधि की या औषधीय पौधों की या जड़ी बूटी की जरूरत पड़ती है तो आपसे आकर संपर्क कर सकता है? कर सकता है संपर्क। हाँ। जैसे कि
उजार दाग हो जाता है, खुजली हो जाता है, बावसीर हो जाता है, नमूनिया हो जाता है, सबको जड़ी हम देते हैं। हाँ। दावा नहीं, जड़ी से देते हैं। जड़ी जड़ी जड़ी, हाँ वही औषधीय पेड़ है तो जड़ी दीजिएगा। सतावर का पेड़ भी है हमारे पास। तो अपना फ़ोन नंबर भी बता दीजिए ताकि लोग संपर्क कर लेंगे। फ़ोन नंबर 6299 31 98 96। ठीक है जी, 6299 31 98 96। तो बंधु ये है इतवार जी का फ़ोन नंबर और ये है इनकी बागवानी औषधीय बागवानी। फलदार एक से एक आम के पेड़ भी हैं, शीशम के पेड़ भी हैं, सागवान के पेड़ भी हैं, लीची है, शरीफा है, चीकू है, रामफल है, बहुत सारे हैं, केला भी कई प्रकार का है। तो ये था हमारा इतवार जी का यानी एकराम जी का बागवानी और उनके उसके बीच फलदार और औषधीय पौधे। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और आवश्यक लगे तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बातें आपके काम की भी थीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।